सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम केंद्रीय सरकार की जो एक संस्था में सेक्रेटेरियल जो पोस्ट होते हैं उससे रिलेटेड वैकेंसीज निकली हुई है तो उसके बारे में जो है ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह क्लिप बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पे जो है भर्ती निकली हुई है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू होने की जो है तिथि है ये है 20/5/2021, जबकि जो लास्ट डेट है ये है 21/6/2021। यहाँ पे देखिए जो हार्ड कॉपी है उसके रिसिप्ट प्राप्त करने का जो लास्ट डेट है वो है 30/6/2021। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियां थी ऊपर में। आगे जो है पद से रिलेटेड कुछ कुछ जो है डिटेल्स दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है पदों का विवरण पूरा देख लेते हैं। पहला पद देखिए यहाँ पे कनिष्ठ सचिवालय सहायक का है। देखिए यहाँ पे कुल मिला के पोस्ट की संख्या जो है 7 है और यहाँ पे आगे देखेंगे लेवल 2 का पोस्ट और पूरे वेतन मैट्रिक्स और डिटेल्स दिए गए हैं। आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो दिया गया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। दूसरा पोस्ट देखिएगा कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा लेवल 2 का पोस्ट। आगे देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा या समकक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखिए अकाउंटेंसी जो है इसमें आपके एक जो है मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे देखिएगा दिया गया है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पोस्ट देखिएगा कनिष्ठ सचिवालय सहायक देखिए भंडार एवं क्रय, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये देख लेते हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। चौथा देखिएगा कनिष्ठ अशुलिपिक जो है ये पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ऊपर के समस्त पोस्ट देखिए लेवल 2 के हैं और ये लेवल 4 का पद है। यहाँ पे जो देखिए जो डिटेल्स दिए गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के देखिए वही है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये जो डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए आगे जो आप देख रहे होंगे देखिए इसके बगल में नौकरी की आवश्यकता जो कॉमन होती है, देखिए यहाँ पे अथॉरिटीज जो है उनके द्वारा जो भी आपको काम दिया जाएगा उसे आपको जो है अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म करना है, तो यही यहाँ पे आवश्यकता है जो कॉमन होती है हर जगह। नीचे आइएगा तो देखिए एक पॉइंट दिया गया है वैकेंसीज में लाइकली टू चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। देखिए जो है वैकेंसीज की जो संख्या है यानी कि पदों की जो संख्या है या तो ये बढ़ सकती है या तो घट सकती है, कॉमन पॉइंट होता है हर वैकेंसी में देखिएगा। और इसके बाद देखिए एक जो और पॉइंट है यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जिसे कि हम हिंदी में वांछनीय योग्यता कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए और उसमें भी देखिए एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट जो है ये सब अगर आपको नॉलेज है तो जो है आपको यहाँ पे जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो वहाँ पे इसका फायदा आपको मिलेगा। अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एज लिमिट का हो जाता है, तो देखिए ऊपर के जो 3 पोस्ट हैं इसमें आपका एज लिमिट जो है वो है 28 वर्ष, जबकि नीचे का जो लास्ट पोस्ट है यानी कि कनिष्ठ अशुलिपिक इसके लिए जो आपका एज लिमिट है वो है 27 वर्ष। लेकिन यहाँ पे तो देखिए अलग अलग वर्गों जो छूट मिलती है वो कंटिन्यूड रहेगी, बारे में जो है नीचे डिटेल्स दिए गए, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ऊपर की जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 5 वर्षों का यहाँ पे छूट मिलेगा, जब जो ओबीसी हैं उन्हें 3 वर्षों का छूट मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखिए ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, सेपरेटेड वुमेन जो होते हैं या डायवोर्सी या जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिल रही है, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों हम जो एग्जाम का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देखने वाले हैं और साथ ही साथ जो है सिलेबस देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपको एग्जाम होगा यानी जो रिटन टेस्ट होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा यानी कि सीबीटी बेस्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 जो है आपको इसमें देखिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना है जो कि देखिए जो सिलेक्शन कमिटी है वो डिसाइड करेगी, यानी कि सेम यही है प्रोसीजर यहाँ पे देखिए जो आपका सीजीपीएससी में होता है। आपका जो पेपर 2 होता है सीजीपीएससी में मैथ्स वाला वो आपका देखिए आपको एक निश्चित कट ऑफ मार्क्स लाना है, सिर्फ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना नहीं है। और देखिए वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, जबकि यहाँ पे पेपर 2 जो होने वाला है उसी के आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि उस पर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा,
होगा, OMR बेस्ड होगा और CBT आधारित होगा, यानी कि इस कंप्यूटर पर होगा आपका टेस्ट, ऑनलाइन पेपर होगा। और इसमें भी जो है आपके एक प्रश्न होंगे, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक सही चुनना है। देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए मीडियम यानी कि आपका कौन से लैंग्वेज में होगा। देखिए आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा पेपर, लेकिन जो प्रश्न आपके इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही रहेंगे। स्टैंडर्ड कैसा होगा एग्जाम का, देखिए 12वीं आधारित स्टैंडर्ड होगा इसका। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 200 होगी, जबकि समय जो आपको अलॉट किया जाएगा वो है 2.5 घंटे का। तो देखिए पेपर वन जो है यहाँ आप देखिएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि देखिए वही एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, जैसे कि आपका CGPSC में होता है पेपर टू। और ये भी जो है देखिए कट ऑफ मार्क्स लाना है निश्चित, जो कि आपका सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करेगा, अभी से उसे अनाउंस नहीं किया गया है। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 100 है। देखिए यहाँ पे जो मार्क्स आपको मिलेगा 200 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर प्रत्येक प्रश्न में 2 मार्क्स मिलने हैं। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए नेगेटिव मार्किंग की जो है यहाँ पे स्कीम यहाँ पे नहीं रखा गया है, यानी कि आप जो है अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों पेपर वन के लिए आपको कुल मिलाकर 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। आगे देखिए पेपर टू के बारे में देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है 1 घंटा मिलने वाला है। इसमें भी देखिए 2 सेक्शन होंगे, एक जनरल अवेयरनेस का और एक इंग्लिश लैंग्वेज का। तो देखिए दोनों के लिए 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के जो यहाँ पे अंक मिलेंगे आपको, देखिए 150-150 अंक मिलेंगे। देखिए प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक मिलने वाले हैं आपको। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो कुल मिलाकर 1 नंबर जो है आपके प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके कटेंगे, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। लास्ट में दोस्तों हम जो है फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो है फॉर्म आपको फिल करना है, जिसका लिंक जो है मैं दे दूंगा आगे। और यहाँ पे जो है आपको प्रत्येक वर्ग के लिए, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का जो रेट, यानी कि फॉर्म फिलिंग का जो चार्जेस है वो है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो समस्त डिटेल्स, यानी कि PDF के एवं साथ ही साथ जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है, सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल्ड वे में देने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।